कांग्रेस के सबका प्रधान राहुल गांधी ने अज दिल्ली पुलिस वालों किसानों के खिलाफ की जा रही घेराबंदी से सवाल चुके हैं। इस केंद्र सरकार से निशाने साधदे राहुल ने सवाल किया है कि आखिर किसानों के प्रदर्शन वाली थावां के नेड़े कंडियाली तार लाने का की मतलब है। इस उन्होंने यह भी सवाल किया है कि सरकार प्रदर्शन कर रहे किसानों की किलाबंदी क्यों कर रही है, कि ये किसानों तो डरते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि किसान भारत की ताकत हैं, केंद्र सरकार का काम किसानों ना गलबात करना ते कोई हल लभना है। सबसे पहला सवाल, सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। नहीं, बात तो कर सकते हैं, मगर किसानों की इशू क्या है? किसानों की इशू यह है कि इन कानूनों को वापस लीजिए, और कोई इशू तो है ही नहीं। देखिए, हुआ क्या, सरकार ने नोटबंदी की, सरकार ने जीएसटी लागू की, एग्रीकल्चर पे जीएसटी लागू की, आपने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नष्ट कर दिया। उसके बाद कोविड आ गया और जबरदस्त डैमेज हुआ। ब्राइट स्पॉट क्या था, जब हमारी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेसेस से कोविड से चोट लगी, ब्राइट स्पॉट क्या था? ब्राइट स्पॉट एग्रीकल्चर था। आपको याद होगा कुछ महीने पहले, एग्रीकल्चर इज ब्राइट स्पॉट, मतलब किसानों ने काम कर लिया, किसानों ने हिंदुस्तान को बचाया। अब आप उनकी जिंदगी नष्ट कर रहे हो, वो हमारी रीढ़ की हड्डी, अब उनको मार रहे हो आप, और फिर आप कह रहे हो वन फोन कॉल अवे। मतलब क्या वन फोन कॉल अवे? क्या वो प्रधानमंत्री से बातचीत थोड़ी करना चाहते हैं? वो अपना कानून, ये जो कानून है उसको वापस लेना चाहिए प्रधानमंत्री, और बातचीत क्या है उसमें? तो जो एक हिंदुस्तान का एक ब्राइट स्पॉट था, उसको भी आपने तोड़ दिया। तो आपका कहना है कि जो इस देश में खेती करता है वो आतंकवादी है, मतलब देश के 60% लोग आतंकवादी हैं, मतलब सिर्फ आरएसएस के लोग आतंकवादी नहीं है, बाकी सब आतंकवादी हैं। ये किसान है, अपना हक मांग रहे हैं। सिंपल सी बात है, आप उनका हक छीन के अपने 5-7 मित्रों को देना चाहते हो। जैसे आप हिंदुस्तान की सब इंडस्ट्रीज को मोनोपोली बना रहे हो, वही आप करना चाहते हो। किसान आपसे लड़ रहा है, आप उसको आतंकवादी कह रहे हो। उन्होंने नाल ये भी दावा किया है कि मैं किसानों नूं जानता हाँ, वो पिछे नहीं हटणगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे।